हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की ये वीडियो वो स्पीडोमीटर के सेंसर के ऊपर रहने वाली है। तो जब भी हम कोई डिजिटल स्पीडोमीटर जो है आफ्टर मार्केट को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक जो है स्पीडोमीटर सेंसर होता है, जिसका कि अरेंजमेंट काफ़ी जो है गलत होता है, कि उसका जो मैग्नेट होता है उसको चिपकाना पड़ता है, फिर एक्यूरेट रीडिंग भी नहीं आती। तो आज की वीडियो वो उसी के ऊपर रहने वाली है, कैसे आप जो अपनी एक वायर वाला जो स्पीडोमीटर है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक मैग्नेटिक स्पीडोमीटर सेंसर के ऊपर। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत एक स्पीडोमीटर है, और ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, और इसके साथ क्या है, एक सेंसर आता है जो कि एक मैग्नेटिक सेंसर है, और इसमें जो है तीनों जो है मैग्नेट इसके साथ मिलती है, और मैग्नेट को जो है अलग अलग जगह पे चिपकाना पड़ता है व्हील में, और व्हील जैसे घूमता है तो इसके पास जब मैग्नेट आती है तो उस हिसाब से ये रीडिंग डिसाइड करता है स्पीडोमीटर की, और जो स्पीडोमीटर की वो रीडिंग है वो इतनी करेक्ट नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम जो है इसको बनाएंगे स्पीडोमीटर सेंसर को, और ये है इसकी वायर। तो आपको क्या करना है, एक ख़राब मीटर ले लेना है, आप किसी भी बाइक का ले सकते हो, मैंने सेम बाइक का लिया है, स्प्लेंडर का ही ये जो है ख़राब वाला जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर है वो मैंने ले रखा है, और आप देख सकते हो इसका ये जो स्पेयर पार्ट है, बाकी मैं सब जो है निकाल दिया है, बस इसको जो है हमने रखा है अपने पास। तो भाई ये क्या है कि इसमें हम जो है एक मैग्नेट चिपकाएंगे, तो आप चाहो तो दो भी चिपका सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इसको टेस्ट किया है, तो एक मैग्नेट से इसकी जो रीडिंग है वो करेक्ट आती है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी दो चिपका रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपको आमने सामने इसके जो है दो मैग्नेट ऐसे चिपका देने हैं जो हमें सेंसर के साथ मिलते हैं, और यहाँ पर जो है आपको जो सेंसर के साथ एक बत्ती मिलती है, तो ये जो है इसको स्ट्रिप को यहाँ पर लगा देना है कुछ एल शेप में, और यहाँ पर हमारा जो है सेंसर आ जाएगा। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोल्ट है, इसको मैंने टाइट कर दिया है, और इस टाइप से ये फिक्स हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो इसमें मैंने कितना गैप रखा है सेंसर और मैग्नेट के बीच में, तो बिल्कुल आपको हल्का गैप रखना है, जितना हल्का गैप होगा उतना अच्छा आपका जो है स्पीडोमीटर सेंसर की रीडिंग आएगी, और बाकी आपका मीटर वगैरह जो है टोटल अच्छी तरह से काम करेगा, और लगभग एक्यूरेट ही पूरा जो है स्पीडोमीटर की रीडिंग आएगी। तो चलिए, जब इसकी यहाँ पर मैं वायर को लगा के और इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसे मैं अभी व्हील को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर भी इसकी जो है रीडिंग आ रही है, और अभी हम जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये रीडिंग अभी करेक्ट आ रही है या नहीं। तो अभी जो है मैं आपको ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये अभी जो है कितना जाता है मेरे एक बार घुमाने पर, ये जो है 23-24 तक जा रहा है ये, और अभी मैं जो है यहाँ पर दूसरा वाला स्पीडोमीटर लगा के देखता हूँ। इसमें जो है अंदर ही इसके जो है ऐसा वाला सेंसर है वायर वाला, तो इसके अंदर भी सेम टू सेम यही मैकेनिज्म काम करता है। ये आप अगर आपके पास कोई ऐसा स्पीडोमीटर है तो आप खोल के भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी एक बार मैं जो है व्हील को घुमाता हूँ और इसका देख लेते हैं रीडिंग कितनी है। सो गाइस, ये 14 तक गई थी इसकी रीडिंग, और अभी हम जो है दूसरा वाला जो सेंसर है इसमें जो है एक मैग्नेट को लगा के देखते हैं, पहले दो मैग्नेट थी, अभी हम जो है एक मैग्नेट को लगा के देखेंगे। तो चलिए गाइस, अभी मैं व्हील को घुमाता हूँ और आप देख सकते हो मैक्सिमम इसकी जो रीडिंग है वो 16 तक गई है, मतलब हमारा जो स्पीडोमीटर है अभी जो है प्रॉपर जो है एक्यूरेट काम कर रहा है। और इस तरह से अगर आप भी जो है कोई ऐसा स्पीडोमीटर लगाना चाहते हो डिजिटल, और आपको जो है इसका स्पीडोमीटर सेंसर का जो है कुछ लग रहा है इशू, तो आप इस टाइप से जो है एक मैग्नेटिक सेंसर बना सकते हो वायर वाले से कन्वर्ट करके। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।